लो चली मैं अपने सर पे बाथटब लेके चली मैं, अगर नहीं नहाया तो हो जाएंगे ऑडियंस के सामने दंगे, नहाऊंगी उनके सामने होके मैं लंगे। ये सही बात बोली ना, पानी में डीओ भी मिला देना उससे अच्छी खुशबू आएगी। अबे चू चुप कर साले चूतिए, ये दोनों ही बड़े चूतिया है, पानी में डीओ कौन मिलाता है? नहीं नहीं मतलब ये नहाए हुए इन्हें कितना दिन हो गया है। करोड़ों सालों पहले से यानी डायनासोर के समय से ही इस धरती पर मौजूद ये क्रिएचर बहुत ही अनोखा है। ये मुझे राइट एंगल से या लेफ्ट एंगल से किसी एंगल से डायनासोर नहीं दिख रहा है, लेकिन यार तुम अगर अपने स्क्रीन को फोड़ दोगे तो तुम्हें एक सुंदर सी डायनासोर जरूर दिखेगी। यार बार में आईने के सामने जाके कहना मेरा चूतिया काट दिया। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये तो कहीं से लंगूर का बच्चा लग ही नहीं रहा। नहीं मतलब कि ये दुकान में कच्चा लेने गया होगा, वहाँ पे एक बंदे ने बोला होगा साइज क्या है, इसने बोला होगा रुको मुझे देखने दो, और ये वहीं पे अपने पैंट उतार के लोग को देख रहा है, ये रुको मैं देखता हूँ हाँ साइज क्या है। इनके ना कोलंबिया में पर्दा बेचने की फैक्ट्री है, जहाँ पे पर्दा बेचने के साथ साथ फैशन भी सिखाती है। ये है आम जिंदगी और ये है फैशन की जिंदगी। इनको कुछ आता हो या ना आता हो पर इनको कपड़े बर्बाद करना जरूर आता है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने सीख के आए थे ये स्कूल में। आप तो बहुत फेमस स्टाइलर है ना, क्या आप अपने बारे में हमें कुछ बताएंगे? हम लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। हाँ क्यों नहीं जी, मैं कपड़े बेचने के साथ साथ कपड़े सिलने भी सिखाता हूँ यूट्यूब पे, और उसके साथ साथ मैं गालियाँ देता हूँ और मैं गेम खेलता हूँ यूट्यूब पे आके। हाँ जी ये मेरी स्पेशलिटी है। हाँ जी बहुत मजे आ गया, आपने बहुत सच सच बोले, मजा आ गया आपका सुनते। तू है अच्छा डांसर, तू है अच्छा रैपर, पर तेरे पीछे है बहुत लोग अभी। अब या तो ये 360p में देख रहा है या मैं 360p में देख रहा हूँ। इसका कैमरा इतना तेज मूव हो रहा है कि यार पूरा सिनेरियो ही ब्लर हो चुका है, ये चीज मुझे नहीं पसंद आई। अब मैं इसके पीछे की सच्चाई कहानी बताता हूँ। तो यार जापान वालों ने ये ट्रेंड चालू किया था कि जो भी ये करेगा वो पतला हो जाएगा, इसको देखा देखी सच मान के ये मोटा भी पार्टिसिपेट किया, और अब इस बात का बहुत साल हो चुका है। लेकिन यार इसका असर हुआ तो नहीं, लेकिन यार डॉक्टर्स ने इसको देख के सिर्फ यही बात बोला, बधाई हो आपके घर मोटा पैदा ही हुआ है। आज जब उस मोटे ने ये सुना तो वो भी इसी की तरह चीख रहा था जोरों से। सब्सक्राइब कर दो यार मेरे चैनल को, ऐसे मत करो यार।